ये आज हम आउटरीच प्रोग्राम है हमारा, जिसमें हम अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं अमंग द मासेस रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। रिलेटेड है कि हम लोगों तक इस प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स हैं अवेयर करें अबाउट द मेडिसन, अबाउट द जेनरिक मेडिसन, अबाउट द परियोजना, इसके कितने बेनिफिट्स हैं, लोगों को ये बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं। और अभी हमारे ACS सर ने ये डायरेक्शंस दिए हैं हमें कि आप एक स्टार्ट करो विद मास प्रमोशन अलोंग विद अवर ड्रग अथॉरिटीज़। तो ये हम पिछले 15 दिन से कर रहे हैं और वी हैव कवर्ड 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 500 to 600 मेडिसिन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हमें सपोर्ट और भी मिल रहा है डॉक्टर साहिबान से, तो वो हम इसको एड ऑन करते जाएंगे, क्योंकि हमारा ऑनलाइन सिस्टम है जिससे हम केंद्र वालों को काफ़ी ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं फ्रॉम आवर हेड ऑफिस, ताकि वो ऑनलाइन सिस्टम में आके अपनी बास्केट को बाहर से भी फिल कर सकते हैं। आउटरीच प्रोग्राम हम कर रहे हैं पिछले एक महीने से, पहले जम्मू डिवीज़न में और कश्मीर डिवीज़न में अलॉन्ग विद हेल्थ अथॉरिटीज़ जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज CMO साहिबान, मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट्स एंड जो नोडल ऑफिसर हैं हमारे इधर PM GI की मैडम रिफत के साथ। तो इसका जो मैसेज है यही है कि जो ये जनऔषधि दवाइयाँ हैं वो काफ़ी कम कॉस्ट पे मिलती हैं और इनकी जो एफिकेसी है वो अप टू द मार्क है, बिकॉज हम जो एज ड्रग रेगुलेटर्स हैं इनके जो सैम्पल्स हैं हम अराउंड द ईयर इनको डिफरेंट केंद्र से लिफ्ट कराते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, तो ऐसा कोई हमारे पास ज़्यादा एडवर्स रिपोर्ट्स इसमें नहीं आई है। तो जो ये डॉक्टर साहिबान हैं वो भी इसमें हमें प्रमोट करने में मदद करें कि वो ये दवाइयाँ भी लिख रहे हैं और जो केंद्र और नर्स है वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और रिगार्डिंग इशू ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, वो मैडम जो हमारे नोडल ऑफिसर है शी इज़ लुकिंग आफ्टर इट। तो इन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया है कि ये अपनी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको बढ़ाएंगे और उनके जो स्टॉक्स हैं डिफरेंट केंद्रों में अवेलेबल रखेंगे, ताकि जो पुअर पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं महंगी दवाइयाँ वो उन तक पहुंच जाएं और उनको वो जो उनका ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो जाए। सब्सक्राइब मेल, प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।